got to send this email. Должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. Мне предложили 3 дня приеду. У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Хамаре и тариштеге, ки муже эсэ лага ки апку кояну вадны инчайе. Мне предложили 3 дня приеду, досто. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। अब सब कुछ समझ आ रही है, इंडिया कहाँ पर है तरक्की में और देखिए हम कहाँ पर है। अब ये बातें कहते हैं क्योंकि हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं डंके की चोट पर कि भाई ये देखिए कि क्या हालात हो गए हैं और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कहाँ पहुंच चुके हैं। तो भाई बात यह है कि वो कहता है कि यू कैन लव इंडिया, यू कैन हेट इंडिया, बट नेवर एवर यू इग्नोर इंडिया, यू कांट इग्नोर इंडिया, इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो अवेयर हो करंट इशू से, ठीक है। ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, अच्छा। 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे, वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट है? नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है, ठीक है। यानी ये पूरा ग्रुप, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है, ठीक है, ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ब्रिक्स जो है वो उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स जारी हैं। मैंने बल्कि मोदी साहब की जो वहां पे मीटिंग थी उसको बड़े गौर से देखा है। और टाइमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल पेपर, व्हाट अ वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने, भारत ने और चाइना ने अपने बॉर्डर को रिजॉल्व कर लिया। 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव है, एक क्वेश्चन आता है कि भारत को इसमें बॉर्डर के साथ इसको भारत को इसमें से क्या मिला है, भारत को क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनका उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। ये जवाब दे, भारत का ये फायदा हुआ है और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे, जहां से फिर हमारे कैनेडियन पप्पू जी तंग हो जाएंगे। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज, आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखें, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट, किसी ने अप्लाई किया वी वेलकम देम। क्या प्रेजिडेंट पुतिन प्रेजिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है या डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना, अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया,
आप ये तस्वीर देखें जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखें आप, द टू पीपल हु आर ऑन हिज राइट एंड लेफ्ट, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इट्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, दोनों आर क्राइवल है टू दिस डेट, इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी ठनी हुई है आपस में, वो जैसे कहते हैं ना दे आर स्टिल देर इज स्टिल अ सिचुएशन विद नो विद ट्रस्ट इज येट टू बी गेंड, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इतमाद आना है, लेकिन पुटिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं, और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी, यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वाशिंगटन, याद रखें इस चीज को, वो वाशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद द पुटिन एंड शी जिनपिंग, वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मैथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी, उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता, आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर रूस के कजन शहर पहुंचे। ब्रिक्स समिट का आयोजन 23 अक्टूबर को होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने कजन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों लीडर ने द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इस दौरान भारत रूस के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए पुतिन ने कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खिलखिला उठे। दरअसल द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी हिंदी और राष्ट्रपति पुतिन रूसी भाषा में बोल रहे थे। दोनों नेताओं की बातों को रूसी और हिंदी में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर मौजूद थे। इसी दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा, भारत और रूस के संबंध इतने स्ट्रांग है कि मुझे लगता है आप मेरी बातें बिना ट्रांसलेटर की मदद के भी समझ सकते हैं। और पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली की संबंध काफी स्पेशल है और समय के साथ और मजबूत हो रहे हैं। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, पिछले 3 महीनों में मेरा रूस का ये दूसरा दौरा है जो दोनों देशों के बीच की गहरी साझेदारी और दोस्ती को दर्शाता है। बता दें कि पीएम मोदी इस साल जुलाई में भी रूस की यात्रा पर गए थे, तब राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में उनका जोरदार स्वागत किया था।